हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो मैं तुम्हारा और मनोरंजन करने के लिए फिर से आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज अपन लोग फिर से खेलने जा रहे हैं ब्रदर्स एसएमपी के अंदर। तुम लोगों को नहीं पता कौन सी एसएमपी है ये? नहीं, तुम लोगों को पता है, मुझे पता है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते, आज की वीडियो में अपन लोग ऐसा काम करने वाले हैं जिसके साथ मेरी बहुत लगने वाली है बुरी तरीके से। तो गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं एक प्यारी सी एमएलजी के साथ, एंड एक फटका इसको भी मार देते हैं। एंड वेट, मेरे चाचा जी का लड़का पीछे वाली साइड पे आ रहा है, उसको दो रैप्टे मार के आते हैं। क्योंकि यार, जब तक ये काम नहीं करता ना, तब तक मेरा दिल नहीं भरता। आ जा भैया, आ जाए। अबे तू भी मार मेरे। हाँ, मारेगा एक, इसे कहते हैं ना बराबर मारना चाहिए। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में मैं तुम लोग को बता देता हूँ क्या करने वाले हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में अपन लोग एक 8x8 का गड्ढा खोदने वाले हैं, जो कि बहुत ही इनसेन लेवल पर होगा। लिटरली मतलब मैं आज पूरी की पूरी वीडियो के अंदर माइनिंग करने वाला हूँ, एंड ऐसी वैसी माइनिंग नहीं, बहुत ही खतरनाक टाइप वाली माइनिंग। तो गाइस चलो फिर, सबसे पहले मैं अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़े बहुत हाथों पाई कर लूँ, उसके बाद चलते हैं अपना सामान लेकर सीधा बाहर। गुड मॉर्निंग गाइस, दूसरा दिन हो चुका है। तो हाँ गाइस, अभी चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर अपन लोग को वो गड्ढा बनाना है। एंड ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को बता देता हूँ, क्योंकि यार ये वर्ल्ड के अंदर मुझे खेलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। तो गाइस, आज अपन लोग देखने वाले हैं कि 8x8 का गड्ढा नीचे तक खोदने पर अपन लोगों को क्या कुछ मिलता है, एंड तुम लोगों को भी मैं दिखाता हूँ कि तुम लोगों को भी क्या कुछ मिल सकता है। तो देखते हैं अपना, अगर लक अच्छा होगा तो यहाँ पर बेसिकली आप इसको ये बोल सकते हैं, हम लोग एक पूरा का पूरा चंक माइन करने वाले हैं। एंड अभी मुझे नहीं पता कि भैया मैंने इस वाले वर्ल्ड का चंक कितना रखा है। तो मैं तो भैया 8x8 का गड्ढा खोदने वाला हूँ, और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैं वो चंक पता कर सकूँ मेरा चंक बॉर्डर कहाँ है। अगर वो चीज़ मुझे मिलती ना इस हमारे पॉकेट एडिशन के अंदर, तो या मैं डेफिनेटली चंक बॉर्डर के ऊपर माइनिंग करता, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा अगर चंक बॉर्डर के ऊपर माइनिंग करते तो अपन लोगों को डायमंड एंड बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन या अपन लोग अपना चंक खुद का बनाते हैं, एंड अभी यहाँ पर से शुरू करते हैं माइनिंग। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर से मुझे ना मेरी जो ये वाली डायमंड वाली पिकेक्स है इसको ख़राब नहीं करना है, क्योंकि यार इसके ऊपर इतनी प्यारी सी एन्चेंटमेंट लगा रखी है, एंड मेरे पास ज़्यादा डायमंड है भी नहीं। सो या अभी आयरन की पिकेक्स के साथ भी काम शुरू करेंगे। तो गाइस, अभी यहाँ पर से शुरू कर देते हैं अपना माइनिंग का काम। तो अभी मैं तुम लोग को बीच बीच में करता रहूँगा अपडेट। तो लेट्स गो गाइस, शुरू करते हैं माइनिंग का काम। ओके गाइस, हम लोगों ने आई थिंक 70 के हाइट पर शुरू किया था, तो यहाँ पर अपन लोग 57 की हाइट पर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर मुझे एक माइन नज़र आ रही है। तो बेसिकली आज का जो अपना ये मैंने चैलेंज ले रखा है, इसके अंदर मेरा जो मैं 8x8 का जो गड्ढा है ना, इसके अंदर ही खोदने वाला हूँ, इसके अंदर ही देखेंगे कि अपन लोग को क्या क्या कुछ मिल सकता है। तो या अब मैं सैडली इस वाली माइन के अंदर तो नहीं जा सकता, अगर मैं इस वाली माइन के अंदर जाता हूँ तो बहुत सारे चांसेस ये हैं कि मुझे काफ़ी कुछ मिल सकता है। लेकिन या आज का चैलेंज है तो वो अपन लोगों को करना ही पड़ेगा, तो मुझे मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। तो अपन लोग इसी जो यहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं यहीं पर से अपन लोग स्टार्ट करते हैं, एंड जो भी ये होगा ना माइन वाइन मैं उसको साइड में से कवर कर दूंगा। सो लेट्स गो गाइस, फिर से लगते हैं काम पर, एंड मैं बीच में ऐसा ही तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि भैया कहाँ तक पहुँचे हम लोग एंड क्या कुछ मिल चुका है। सो या लेट्स गो, शुरू करते हैं काम दोबारा से। ओके, वी आर ऑन 47। सो या यहाँ पर से देख सकते हो कि अभी ही तुम लोग ऐसे सोच सकते हो कि मैं नीचे जा रहा हूँ, वो भी बेड रॉक के पास, वो भी लावा के पास। सो बहुत ही क्रीपी लग रहा है, एंड ऊपर से तुम लोग को व्यू देखो भैया, बहुत ख़तरनाक वाला व्यू आ रहा है। एंड यहाँ पर जैसे मैं तुम लोग को बोला था कि जब भी माइन आएगी साइड में तभी अपन लोग उसको कवर कर देंगे, ताकि अपन लोग उस साइड में कुछ भी ना खोद पाएँ, एंड अपना जो ये जो भी अपना चैलेंज है अच्छे तरीके से हो। सो या इसको
कवर कर देते हैं। एंड मैं तुम लोग को एक बात और बता दूँ कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही, तुम लोगों को बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। तो वीडियोज़ हाँ आएंगी ज़रूर, लेकिन थोड़े टाइम बाद, क्योंकि यार अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड इसी के कारणवश तुम्हें वीडियोज़ नहीं देखने को मिल रही। सो तुम लोग अगर लाइक करते हो इस वाली वीडियो के ऊपर तो मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सो या इस वाली वीडियो के ऊपर कोई लाइक एम तो नहीं है, अगर तुम मैक्सिमम लाइक करवा देते हो तो या पक्का वीडियोस जल्दी आएंगी एंड टाइम निकालूंगा मैं एग्ज़ाम हो जाने तो बस फिर वीडियोस आएंगी। सो लेट्स गो, दोबारा से काम शुरू करते हैं एंड दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या करते हैं आज। तो ओके गाइस, अभी मैं बाहर आ रखा हूँ एंड मेरी पिकैक्स ऐसे ही जा रही हैं जैसे मुर्गा सांप की लड़ियाँ जाती है यार। भाई मतलब लिटरली पिकैक्स के ऊपर पिकैक्स सूख रहा हूँ यार मैं। वो तो अच्छा है कि मेरे पास घर के, मैं घर गया था तो वहाँ पर मैं आयरन को स्मेल्ट करने के लिए लगा के आया था। सो या अभी 35 की हाइट पर मैं आ चुका हूँ एंड अभी तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि और डीप जाएंगे एंड वहाँ पर से करेंगे MLG, जो कि मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरी MLG देखने में बहुत मज़ा आता है। तो या MLG करेंगे, वो भी बेडरॉक पर करके दिखाऊंगा यार मैं तुम लोगों को। तो लेट्स गो गाइस, अभी फिर से काम शुरू करते हैं। यही डायलॉग बोल रहा हूँ कब से, सो या यही बोलना पड़ेगा क्योंकि आज काम भी ऐसे ही कर रहे हैं। सो या अभी बेडरॉक तक तो नहीं पहुंचे लेकिन बहुत नीचे तक मैंने खो डाला एंड लेट्स गो भाई 19 की हाइट तक तुम्हारे भाई ने MLG कर दिया है। तो या अभी बेसिकली मैं अपनी इन्वेंट्री खाली करने गया था बाहर एंड मैंने सोचा कि भैया क्यों ना तुम लोगों को दिखाई दे कि MLG कैसे करते हैं, मतलब तुम्हें तो मेरी MLG देख ही रखी होगी। तो या गाइज, अभी मैं डायमंड का सामान बना के लेके आया हूँ, क्यों, क्योंकि यार मुझे, मेरा कल मैथ्स का एग्ज़ाम है यार, मुझे पढ़ना है। तो लेट्स गो गाइज, खोते हैं। इसी के साथ थोड़ा बहुत खर्चा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं अगर अपना कुछ बन जाए, मुनाफा हो जाए इसके अंदर से ही कुछ। तो लेट्स गो, करते हैं दोबारा से माइनिंग स्टार्ट एंड हम करते हैं ख़त्म जल्दी से। तो ओके गाइस, फाइनली हमारी पहली बेडरॉक मुझे दिख चुकी है। तुम लोगों के लिए तो भैया ये 6-7 मिनट की एक नॉर्मल वीडियो होगी, लेकिन मेरे लिए मुझे पता है कि ये क्या है। मैं कब से लगा पड़ा हूँ इस चीज़ को माइन करने के लिए, पता नहीं ये मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आया ये काम करने में एंड कुछ ऐसा लग रहा है कि भैया बेडरॉक को देखना, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो अचीव कर लिया है मैंने। एंड या ज़ीरो की हाइट तक पहुंचने वाले हैं अपन लोग एंड थोड़ी बहुत जगह पर लावा नहीं दिखा मुझे, अभी नीचे दिख सकता है थोड़ी बहुत जगह पर, तो उसको भी अपन लोग कवर करके एंड फाइनल बेडरॉक बना देंगे यार, जैसे भी मतलब दिखना होगा। तो लेट्स गो गाइस, फाइनली तुम्हारे भाई ने सारी की सारी जगह खोद दी है। वेट, ये थोड़ी सी जगह रह चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली या देख सकते हो कि बेडरॉक मिल चुका है अपन लोगों को, ठीक है। एंड अभी बेडरॉक मैं तोड़ूंगा कैसे वो मुझे नहीं पता, अगर वो वाली जो PC के अंदर ट्रिक काम करती है, अगर वो काम कर गई तो ठीक है, लेकिन ये देखो गाइस, तुम लोग एक बार देखो यार ये क्या खतरनाक लग रहा है। एंड मेरे माइंड के अंदर बहुत से आइडिया इसको लेकर, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो पक्का बनाऊंगा। तो या बहुत इनसेन लग रहा है यार ये, लेट्स गो, बहुत ही ओपी है यार, मुझे तो बहुत मज़ा आया। सो वेट, तेरी भैंस की टांग, ये गधे नहीं घोड़ा है, घोड़े के ऊपर गधा बैठा था, नहीं घोड़े के ऊपर आदमी बैठा था। तो या गाइस ये देखो, तुम्हारे भाई को ये कुछ मिला है, नहीं तुम्हारे लिए ये पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि यार इतना सामान मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन एक बात का गम है कि मैंने अपने
पास में से डायमंड खर्च किए लेकिन मुझे डायमंड नहीं मिले। लेकिन कोई बात नहीं यार, ये चीज़ देखने में बहुत ख़तरनाक लग रही है एंड यहाँ मेरे माइंड के अंदर इसको लेकर आगे न्यू वीडियोस बनाने के लिए और कुछ भी प्लान्स चल रहे हैं। तो यार नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना इस वाली SMP की, वो बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है। सो यार अगर तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी चाहिए एंड अगर तुम मुझे कुछ और बताना चाहते हो इसके रिगार्डिंग कि मुझे क्या करना चाहिए, तो यार कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए, कमेंट जरूर कर दो। तो चलो यार फिर आज की इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर रैपअप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, डिस्कॉर्ड का सब ज्वाइन करो। मेरे साथ कोई भी बात करनी हो तो मैं तुमसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।